हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं आज आपको डेरी जैसी गाढ़ी मलाई लस्सी कैसे बनाते हैं इसका सीक्रेट शेयर करूंगी। और पहले मैं दो तरीके से आपको दही जमाना बताऊंगी, पहला कैसरोल में और दूसरा किसी भी पतीले में, क्योंकि जब हमारा दही अच्छा जमेगा तभी डेरी वाली लस्सी का टेस्ट आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने एक पतीला लिया है, उसमें मैंने ये फुल क्रीम 500 ml दूध लिया है, जिसे मैं गर्म करूँगी अच्छी तरह से। हमें फुल क्रीम दूध लेना है तभी हमारा दही अच्छी तरह से जमेगा और वो मार्केट वाली डेयरी लस्सी का टेस्ट आएगा। ये मैंने दूध पतीले में गर्म होने रख दिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से पकाएंगे जब तक, क्योंकि दूध में पानी होगा, जब तक उसका पानी अच्छी तरह से पक न जाए। हमें दूध का सारा पानी ख़त्म करना है। लगभग 5 से 10 मिनट तक हमें दूध को अच्छी तरह से पकाना है। चाहे तो हम इस तरह से चला करके अच्छी तरह से दूध को पहले पकाएंगे। मेरा दूध लगभग पक चुका है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे, थोड़ी देर इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। इस तरह जाली वाली छन्नी लेकर इसे लगभग 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए इसी बर्तन में रखेंगे, क्योंकि अभी दूध बहुत ज़्यादा गर्म है। फिर हम इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे। लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम एक कैसरोल लेंगे और उसमें अपना पूरा दूध अच्छी तरह से निकाल देंगे। इसके ऊपर जो मलाई पड़ी है इसको भी डाल देंगे। अभी दूध बहुत ज़्यादा गर्म, दूध ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, दूध गुनगुना होना चाहिए। उसे उंगली से टच करके देख लें। इसे लगभग 15 मिनट और ठंडा होने देंगे। और ये दूध लगभग ठंडा हो चुका है। इसमें दही मिक्स करेंगे। दही मिक्स करके अच्छी तरह से थोड़ा सा धीरे से इस तरह से चला देंगे, जिससे दही पूरे दूध में अच्छी तरह से मिल जाए। और इसे ढक्कन ढक करके लगभग 5 से 6 घंटे के लिए इसी तरह से जमने देंगे। और फिर उसके बाद हम 6 से 7 घंटे इसे फ्रिज पर रख देंगे। अब मैंने हाफ़ लीटर और दूध उसी तरह से अच्छी तरह से पका लिया है। अब मैं इसे एक पतीले में इस तरह से डालूँगी। अभी ये दूध गर्म है, हमने इस दूध को छन्नी से ढक कर रख दिया था। अभी दूध लगभग ठंडा हो चुका है। हम इसे उंगली से इस तरह से चेक करेंगे और हम इसमें एक चम्मच दही मिलाएंगे। इसे भी इस तरह से पूरे दूध में धीरे से मिक्स कर देंगे, जिससे पूरे दूध में अच्छी तरह से दही मिल जाए और अच्छी तरह से पूरा दूध जम जाए। अब हम इसे किसी भी इस तरह से ढक्कन से अच्छी तरह से ढक करके इसे भी लगभग 5 से 6 घंटे के लिए रख देंगे और फ्रिज में 6 से 7 घंटे के लिए रख देंगे। अब हमारा दही बिल्कुल जम चुका है। हम चेक करेंगे कि हमारा दही अच्छी तरह से जमा है और उसमें अच्छी तरह से मलाई मोटी पड़ी है या नहीं। तो हम चेक करते हैं। ये देखिए दही कितनी अच्छी तरीके से एकदम गाढ़ा जमा हुआ है और इसमें मलाई भी बहुत अच्छी तरह से लस्सी वाली मलाई मोटी पड़ी हुई है। दही जमाने का सीक्रेट यही है कि जो दूध में पानी होता है जब वो अच्छी तरह से पक जाएगा तो हमारा दूध गाढ़ा हो जाएगा और दही बहुत ही अच्छा गाढ़ा जमेगा। ये देखिए कितनी मोटी मलाई एकदम पड़ी हुई है, जो कि हमारी लस्सी का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ा देगी। अब मैं इसे एक बर्तन में दही डालूंगी। देखिए दही कितना गाढ़ा जमा हुआ है हमारा। ये मैंने 5 से 6 चम्मच मैं दही एक बर्तन में डालूंगी। आप किसी भी तरह का बर्तन ले सकते हैं जिससे आपको लस्सी बनाने में आसानी हो। ये लगभग मैंने आधा दही ले लिया है। अब मैं आपको दूसरा दही दिखाऊंगी जो मैंने दूसरे तरीके से जमाया था कैसरोल में। ये देखिए इसमें भी इतनी मोटी मलाई एकदम बनकर तैयार हो। आप किसी भी बर्तन में दही आसानी से जमा सकते हैं। मैं इसका भी दही
दो से तीन चम्मच मैंने इसमें ले लिया है। आपको दिखाने के लिए मैंने इससे लिया है, दही दोनों सेम ही तरीके से जमेंगे। इसके लिए मैंने आइस क्यूब लिए हैं और थोड़ी सी शक्कर हम इसमें डालेंगे। आपको अगर ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा मीठे, लगभग 4 से 5 चम्मच मैंने इसमें शक्कर ऐड की है। कोई भी मथानी लेकर खोलेंगे और मैंने 8-10 आइस क्यूब डाली है और इसे अच्छी तरह से फेंटेंगे मथानी से। लस्सी का टेस्ट तभी अच्छा आता है जब अच्छी तरह से हमारा दही अच्छी तरह से फेंट देते हैं और इसकी शक्कर अच्छी तरह से घुल जाए। लगभग 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से अपने लस्सी को फेंटना है। लगभग इसकी बर्फ भी अच्छी तरह से पिघल चुकी है और अब हमारी लस्सी बिल्कुल बनकर तैयार होने वाली है। थोड़ी सी और हम 1 से 2 मिनट इसे अच्छी तरह से फेंटेंगे। जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, तो हमारी लस्सी बिल्कुल बन गई है। अब हमारी लस्सी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। अब हम इस तरह से किसी भी ग्लास में, कुल्हड़ में, स्टील के ग्लास में सर्व कर सकते हैं। और मैं अब इसमें से मलाई निकाल कर ग्लास में डालूंगी। अगर आपको और ज़्यादा मलाई पसंद है तो आप इस तरह से और मलाई डाल लें। अभी देखिए हमारी लस्सी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है और बिल्कुल हमारी डेरी जैसी लस्सी बनकर तैयार हो गई है। और ये देखिए आधे दही में ही हमारी 2 ग्लास लस्सी बन चुकी है और थोड़ी सी भी हमारी लस्सी बची हुई है। इसको मैंने एक कुल्हड़ में डाल लिया है और ये देखिए आपको जैसे पीना पसंद, आपका जब भी लस्सी पीने का मन करें पिएं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।